ये साल का जो बजट पेश किया गया है ये फालतू बजट है, रद्दी का बजट है, ये जो है नागरिक सुविधा के लिए नहीं है ये बजट का, ये जो बजट है शहरी नागरिकों के लिए फायदे में नहीं है। अब ये बजट बुक में नाम का अपमान ना हो इसलिए बजट बुक ना फाड़ते हुए बजट का कवर बुक फाड़ कर हमारा एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये बजट जो है रत्ती की टोकरी का बजट है, इसमें कब्रिस्तान खरीदी के लिए, ये जो गुरुवार पट्टा है कब्रिस्तान की खरीदी के लिए तरस रहा है और आपने बजट में संडास खरीदी करने के लिए पैसा पकड़ रहे हैं। लेकिन जो है ये कब्रिस्तान जो गुरुवार वार्ड गुंजान आबादी का कब्रिस्तान है और आप इसके लिए बजट नहीं पकड़ रहे, हमारा ये बजट के निषेध में ये बजट का कवर फाड़ के हम ये रत्ती की टोकरी में तुम्हारा बजट। आज जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये संगमेश्वर शिवार गट नंबर 117B है जो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कब्रिस्तान के लिए रिजर्व की गई है, कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की गई है। आज मालेगांव महासभा जो थी ऑनलाइन ली जा रही थी और इसमें एक विषय क्रमांक जो था 214, ये 214 विषय क्रमांक ये था कि जो नई बस्ती है उस नई बस्ती में 40 सीट संडास के लिए जगह खरीदी जाए, इस विषय ये ऐसा इस तरीके का जगह खरीदी का एक विषय जो था आज की महासभा में था। हमारा सिर्फ जो है बुनियादी वजह आज की मीटिंग यहाँ पर लेने, आज की ऑनलाइन मीटिंग यहाँ से हाजिर होने की बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि ये जगह कब्रिस्तान की जगह है और इसके अतराफ में पूरा जो है गुंजान मुस्लिम आबादी वाला इलाका हो चुका है। यहाँ से लेकर हाईवे के पीछे से जितनी भी नई आबादियाँ हैं वो 100% जो है वो मुस्लिम आबादी वाले इलाके बन चुके हैं और यहाँ इस इलाके से कब्रिस्तान तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का अब जो है मुसाफत तय करके हमारे जो है जनाजा मुर्दों को और जनाजों को जो है 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ से कब्रिस्तान ले जाना पड़ता है। बहुत सी मैयतें जो रात में होती है और वो तो गाड़ियों पर ले जाना पड़ता है, ऐसे हालात इस इलाके के हो गए और मज़ीद ये इलाका जो है बारिश पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है क्योंकि ये इलाका नौ आबादी है, यहाँ पर अभी रोड गटरों का काम करना बाकी है। इस वजह से जब बारिश के दिनों पे यहाँ पर मैयतें होती है तो इस इलाके के रहायशीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। 10 सालों से मुसलसल ये ज़मीन मालक जो है कॉरपोरेशन को नोटिस दे रहा है कि ये जगह कब्रिस्तान के लिए ख़रीद ली जाए, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि गुज़िश्ता 5 सालों से मुसलसल नोटिस देने के बावजूद भी बरसरे इक्तदार जो है इस पर उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। माजी में ये हुआ कि नदी के उस पार जो है शमशान भूमि के लिए 14 वित्त आयोग से पैसा दे दिया गया। हमारा ये बोलना है कि जो 15 वित्त आयोग का नया बजट आया है उसमें 50% जो है वो आवामी सहूलत पर खर्च करने के लिए है, तो आप वो 50% जो है बजट जो है इस जो है कब्रिस्तान की जगह को ख़रीदने के लिए मुख्तस करें ताकि जो तकलीफ़ इस इलाके में बसने वाले मुस्लिम शहरियान को हो रही है, जो अपने मुर्दों को अपने जनाजों को 2.5 और 3 किलोमीटर की मुसाफत के बाद दफनाने ले जा रहे हैं उनको आसानी पैदा हो। और ये हम सब का मिली फरीज़ा है कि इस घनी आबादी में, इस गुंजान आबादी में कब्रिस्तान जो है जल्द से जल्द वाक़े हो जाए ताकि आसानी पैदा हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बरसरे इक्तदार पवारवाड़ी पर रोड की जगह खरीदने में मसरूफ़ है, पवारवाड़ी गुलशनाबाद अब्बास नगर में रोड निकाल कर ज़मीन मालक को जो है कैश पैसा देने में मसरूफ़ है। अभी आपको मैंने जो विषय क्रमांक 214 आज की मीटिंग का बताया है, जो उनवान नंबर 214 है उसमें भी जो है टॉयलेट की ज़मीन खरीदने के लिए पैसा देने की बात कही जा रही है। हमारा ये बोलना है कि हमने हर घर संडास के लिए कॉरपोरेशन के ज़रिए तमाम शहरियान को घर पर संडास बनाने के लिए पैसा 16 से 20 हज़ार रुपया दे चुके हैं और ऐसे हालत में जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो कम्युनिटी टॉयलेट है और जो पब्लिक टॉयलेट है वो गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। जो पहले से जो बस्तियों में संडासे थी वो हुकूमत की जानिब से ओडी फ्री और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बंद करने जा रही है। तो ऐसी सूरत में जब शासन एक से ये शासन का ये प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान भर को जो है ओडी फ्री किया जाए, जो है हिंदुस्तान को हगनदारी मुक्त किया जाए, ऐसे वक्त में हमें जो है शासन जिस चीज़ के लिए मना कर रही है और हम वो काम जो है अपने माली फायदे के लिए कर रहे हैं।
हर चीज़ जो है सौदा व्यापार और माली फ़ायदा कुछ नहीं होता है। ज़मीर भी कोई चीज़ होती है, ईमान भी कोई चीज़ होती है। आज कब्रिस्तान जो है ये एक मुकद्दस जगह है, यहाँ पर हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये एक जो है तदफीन के काम आने वाली जगह है, ये काम के साथ साथ कार खैर का भी एक काम है। तो ऐसी सूरत में बरसर इक्तदार टोला जो है नदी के उस पार जो है शिवसेना और बीजेपी के हाथों में खिलौना बनकर इस इलाके की आवाम के साथ सियासी दुश्मनी निकाल रहा है। माजी में शेख आसिफ जब असेंबली इलेक्शन हारे तो उन्होंने हार के बाद इस इलाके के तामीराती काम को रोकने के लिए कमिश्नर को जो है वो एक जो है लेटर दिया था, जिसका हमारे पास जो है तहरीरी सबूत है और उसकी जो है ये तराशा जो अखबार में है ये उस बात का तहरीरी सबूत है कि आसिफ शेख रशीद ने जो है कहा था कि 117, 18, 19, 20, 121, 122 में तामीराती काम ना किया जाए। और साथ ही साथ यानी माजी करीब में जो है आज यहाँ पर कब्रिस्तान बसने वाला है और सामने ही हज़रत मासूम शाह कुट्टी दरगाह है और आतराफ़ में मस्जिदें हैं, वहाँ पर जो है बरसर इक्तदार टोला शिवसेना का आलाय कार बनते हुए वहाँ पर जो है स्टेपी प्लांट लाने की कोशिश कर रहा है, जो उस मगरबी इलाके की तमाम गंदा और मैला शुदा पानी जो है इस जगह ला कर उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसका मैला जो है हमारे एतराफ में फैलेगा, जिसकी वजह से तापुन और जरासीम ये उभरने के जो है ज़्यादा मौके और चांसेस है। इसकी वजह से इस इलाके में बसने वाले लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन मुसलसल सियासी दुश्मनी का शिकार इस इलाके को बनाया जा रहा है। आज इस इलाके को कब्रिस्तान की ज़रूरत है, आज हमारी बुनियादी ज़रूरतों में सबसे अहम कब्रिस्तान है, लेकिन इसको मुसलसल जो है बरसर इक्तदार की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है, दुर्लक्ष किया जा रहा है। आज हमने महासभा में पूरी शिद्दत के साथ इस विषय को रखने की कोशिश की, आज हमारी तादाद में कमी और ऑनलाइन मीटिंग की वजह से हमारी बात पर जो है प्रशासन ने ध्यान नहीं धरा, लेकिन आज हमारे साथ ऐसे मसाइल पर और ऐसे जो इश्यूज़ पर आवामी ताकत है।